तो बेसिकली बर्लिन का टूर बस कल लास्ट डे मेरे यहाँ पे, तो प्रिंस को शाम से बात हुई थी, प्रिंस से मिले, और प्रिंस थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दो पहले तो। तो प्रिंस मेरा नाम है, जैसे सर ने बता दिया, पूरा नाम प्रिंस राणा है, पालमपुर से हूँ, हिमाचल प्रदेश से। तो कम ही लोग आते हैं हिमाचल से बाहर, उसमें से मैं एक हूँ, हाँ नाम एक्चुअली रोशन करने। मिलते भी कम ही है ना, पहाड़ों में होते हैं ना, तो ढूंढने पड़ते हैं। तो इंजीनियरिंग की मैंने जेपी यूनिवर्सिटी से, वहाँ बीटेक किया मैकेनिकल में। उसके बाद जॉब कर रहा था एक्सेंचर में, उसके बाद एक स्टार्टअप में। अच्छा तो स्टार्टअप में करते करते पहले मैं डेटा मैनेजमेंट में था, डेटा एनालिस्ट था। ठीक है अच्छा उसके बाद एज अ डेटा रिसर्च में आ गया, डेटा साइंस, क्रॉलिंग, वेब क्रॉलिंग, ये सब कर रहा था। ठीक है अच्छा फिर प्लान बना कि मुझे मास्टर्स करनी थी, बिकॉज सैचुरेशन पहुंच रहा था। तो आफ्टर दैट मेरे एक फ्रेंड है, उसने वो लेके गया सर के पास, रजत। ठीक है जर्मनी तो पहुंच गई हो, कब पहुंचे जर्मनी? मैं आया हूँ सितंबर में, 16th of September को, ये 2023 में ना। अभी अभी जस्ट। ओके तो जर्मनी आने की जो जद्दोजहद थी वो तो हाँ थी, उसको हम डिस्कस करते हैं, पर कैसा लग रहा है कि वर्थ है आना? वर्थ है सर, करने वाले के लिए तो वर्थ है, अच्छा क्योंकि अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे, लोग एक पेस में है कि कुछ करना है। ठीक है ऐसा नहीं कि सो रहे हैं, उठ रहे हैं, सुबह खाया सोना है, फिर खाया सो, दे आर इनटू समथिंग कि करना है। इवन द टीचर्स जो हैं कॉलेजेस में, वो इंटरेक्टिव वे में बात करते हैं, ठीक है फिर दे टेल अस कि तुम्हें पढ़ना है यहाँ पे, हम पढ़ने आए, तो फील होता है कि हम कुछ करने आए हैं। ना ठीक है। स्ट्रगल्स हैं, देखो बर्लिन को स्ट्रगल्स ना, हैं। बर्लिन को कहते हैं स्टार्टअप कल्चर, और बहुत हाँ फास्ट लाइफ है यहाँ पे, है तो ये बात वाकई में सच है कि बर्लिन बहुत फास्ट लाइफ है एज कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज या सिटीज। बाकी जगह तो मैं गया नहीं, तो इसलिए ज्यादा बोल भी नहीं सकता हूँ, ठीक बट है ठीक बर्लिन फास्ट इसलिए है क्योंकि एक तो कैपिटल है। है ठीक सेम आप बोल दो कि इंडिया में मुंबई है, है इंडिया में दिल्ली है, वो फास्ट है, तो ये भी फास्ट होगा, बिल्कुल ठीक। पहला। दूसरा, गवर्नमेंट बहुत सही है, अच्छा आपको ट्रैम दे रही है, आपको यूबान एसबान इतनी अच्छी कनेक्टिविटी दे रही है। अच्छा इवन समन रैंडम आपको बोल रहे हैं कि वी नीड टू मीट, वी नीड टू टॉक, रात को 2 बजे आप घर से निकल के जा रहे हो, मिल रहे हो, सेफ्टी इतनी ज्यादा है, अच्छा पुलिस से लेकर हर चीज एक्टिव है, अच्छा तो ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, तो फास्ट लाइफ तो होगी। यानी कि दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन हाँ, सॉरी जो जर्मन कोर वैल्यू की पंक्चुअलिटी, अच्छा तो अगर पंक्चुअल रहना है तो फास्ट रहना पड़ेगा, वो दैट आपका मेक्स अस मोर एंड मोर फास्ट। प्रिंस ने बोला 6 बजे आऊंगा, तो एग्जैक्ट डॉट 6 बजे आ गया था वो। हाँ ये जर्मन आपको सिखा देते हैं, ये है, ये जर्मन कल्चर में ही है। हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं आया था कि हाँ ठीक यार किसी गवर्नमेंट ऑफिस जाना है, 12 बजे का अपॉइंटमेंट है, 3 बजे पहुंच रहे हैं। तो दे टेल अस कि डन, 10 मिनट देखते हैं हम। इवन जब मैं आयु गया था, मैं लेट हो गया था 15 मिनट 20 मिनट, अच्छा तो देवर लाइक कि नहीं, स्लॉट किसी और का है, यू कांट डू थिंग्स नाउ बिकॉज स्लॉट किसी और का अगला, बिल्कुल वी आर ठीक। वेटिंग फॉर समवन एल्स। वैल्यू फॉर टाइम जो है ना, वो जर्मनी में आज जो सिखाते हैं, हाँ, वो मेरे ख्याल से जर्मनी से अच्छा कहीं दिखाते हैं कि टाइम कहीं की वैल्यू बहुत अच्छी करते टाइम हैं की लोग। वैल्यू अच्छी है, द वैल्यू ऑफ टाइम। सो प्रिंस बेसिकली जर्मनी आ गए हो, पसंद आ रहा है ना, आप अपनी मास्टर्स करने आए हो यहाँ हाँ पे, जी, मास्टर्स और कर रहे किस में पढ़ हैं, रहे हो मास्टर्स? आयु कर रहा हूँ, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, डेटा ओके साइंस की मास्टर्स है, और ओके 1 साल का 60 ग्रेड्स का कोर्स है। अच्छा, और ये हम इंडिया से शुरू करके आए थे। नहीं, यही आगे शुरू किया है, अच्छा तो इंडिया से प्रोग्राम स्टार्ट नहीं किया था ब्लेनिंग मोड में। बिकॉज मेरा वो था, एक्सपीरियंस था 4 साल का, तो अच्छा 1 साल का जो है, इफ यू गो टू द वेबसाइट आपको दिखेगा कि 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ओके अच्छा, सो यू कैन अप्लाई फॉर द 1 ईयर। तो अगर सो एक्सपीरियंस है तो ऑब्वियसली 1 ईयर है, अगर हाँ, एक्सपीरियंस नहीं होता तो ये 2 साल का दो होगा। साल ठीक है, जो जर्मनी से हम यहाँ पे आए और जो जद्दोजहद हुई, अपॉइंटमेंट सिस्टम, एटीएस, चलो वो मेरे ख्याल से सबको पता है क्या हो रहा है ना, हाँ, मैनेज कर लेंगे, मैनेज और भूल जाएंगे हो एटीएस जाएगा, से, हो जाएगा। आगे चलते हैं क्योंकि ये चीज तो बस हाँ, बेसिक्स है ना, बेसिक्स है, थोड़ा और ये थोड़ी सी फाइट करनी पड़ती है। सा क्या है ना कि यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग एज स्टूडेंट्स, यू आर एट वॉर, यू नीड टू अंडरस्टैंड यू आर एट वॉर, नुकसान आपका ही है, बिल्कुल, कोई एजेंसी का नहीं है, कोई एजेंट का नहीं है, नथिंग, दे क्योंकि आर एम्प्लॉयज, वो अपनी कंपनी में क्योंकि काम जो कर रहे हैं। बात आपने फिर हाँ मुझे बताई, जिस हाँ तरीके से बताई कि भाई जिस तरीके से आपने अपनी अपॉइंटमेंट को एग्जीक्यूट करवाया हाँ जी, बीएफएस में, फोन करके भाई कर दे, और वो जो बातें आपने करी, बहुत हाँ लंबी बात जाएगी ना, मैं पब्लिक डोमेन पे नहीं बोल सकता हाँ मैं जी, हाँ चीजों जी, को हाँ, तो, लेकिन हाँ एक बात बड़ी समझ में आई कि आपको अपने लिए खुद अपने फाइट लिए करनी पड़ेगी, करेंगे, इवन अगर आप अच्छे से पड़ेगी, अच्छा लॉयर भी लगा दो ना, नहीं कर वो सकते। लॉयर कहता है कि भाई आपने अपने केस में दरिंदर पढ़ना खुद भी है, अगर आप मैं ये सोचो कि आप टॉप का लॉयर हायर कर दो हाँ तो मैं हाँ कोई जीत जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। अगर मैं बोल रहा हूँ ना, आपके बिल्कुल स्टूडेंट्स हैं, आप मान लो मेरे सगे रिश्तेदार ही हो, मेरे घर पे रह रहे हो, चाचा हो मेरे, बिल्कुल सही आप भी लैपटॉप लेके बैठ जाओगे, नहीं कर सकते कुछ, बिल्कुल सही बात क्योंकि आप एम्बेसी से लड़ोगे तो हो नहीं, बिल्कुल इंडिया में हो आप, बिल्कुल सही बात क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट बोलेगी भाई हो कौन आप। बिल्कुल सही बिल्कुल सही इवन इफ आई एम लाइक आई एम सीईओ ऑफ अ कंपनी, बोलेंगे तो भाई वेरी व्हाट ट्रू कैन वी डू, वेरी ट्रू नथिंग, वेरी ट्रू आपको वेरी खुद करना है, बीइंग अ स्टूडेंट खुद करना है।
सिर्फ एक डायरेक्शन मिल जाती है कि ये यूनिवर्सिटी ये जगह ये कोर्स, हेल्प मिल जाएगी कि यार फ्लाइट ऐसे बुक हो जाती है, ब्लॉक अकाउंट ऐसे बन जाता है, ठीक है। बट इवन इफ यू गो ना व्हाट्सएप पे इतने ग्रुप्स हैं और स्टूडेंट्स मोर देन 50% इतने हेल्पफुल हैं, बिल्कुल ठीक। आप फोन पे कॉल करो, दे आर रेडी टू हेल्प, क्योंकि वो खुद परेशान है। एंड व्हेन पीपल आर इन अ प्रॉब्लम, यूनिटी बहुत ज्यादा हो जाती है और वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करते हैं उस तरीके से। तो चलो, जो हमने बात करी यू नो कि हमें अपॉइंटमेंट देर से मिली या बड़ी मुश्किल से मिली, चलो उसको साइड करते हैं। आज हम बात करते हैं यू नो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है शुरुआती, कि आप जब जर्मनी आए हो तो जर्मनी आने से पहले आपको जरूर पता था कि जो एक्सपेंसेस हैं हाँ मेरे कितने होने वाले हैं। ये वो स्टूडेंट है जो बेसिकली जर्मनी आया हमारे थ्रू, और जर्मनी आने के बाद ये वापस आ गया दो महीने। तो इससे पहले कि हम इसकी टेस्टिमोनी डालते और कहते हैं एक अच्छा एग्जांपल सेट करते कि भाई से वापस आ गए, जी वापस आ गए तो कैलकुलेशन में हुआ कि भाई उससे पूछा मैंने क्यों आ गए, तो उसने बताया सर मैंने ओवर कैलकुलेट कर लिया था कि सब कुछ पाते में निकालना है, उसकी जेब में 500 यूरो भी शायद नहीं थे, अगर मुझे याद नहीं होता। तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है आज कुछ सेल करने का नहीं है, मेरा ऑब्जेक्टिव ये कि आप अपना रियल एक्सपीरियंस बताओ कि अगर जर्मनी बच्चा आ रहा, देखो आज आप भी आए हो, तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से लोग जाने आपकी स्टोरी, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ जो बात आप बताओगे ना वो है असली एक्सपीरियंस। मैं ब्लॉगिंग में कितने कवर कर लूंगा एक दिन में, मैं मोटी मोटी बातें बता दूंगा, आप बताओगे ऐसी ऐसी बातें जो बेसिकली मैं भी कुछ सीख के जाऊंगा, ठीक है। इसलिए आई ऑलवेज से एनी एक्सपीरियंस इज नॉट कंप्लीट अंडर स्टूडेंट एक्सपीरियंस इज एज इन दैट। सो अगर किसी ने जर्मनी आना है तो उसके पास जो ये ब्लॉग्ड अकाउंट होता है, पहले तो इसके अलावा लैंड करते ही आपके खर्चे शुरू आते हैं, हो जाते हैं, राइट, डेफिनेटली। और ब्लॉग अकाउंट खुलने में टाइम ले लेता है। हाँ, लेता है। आप लकी थे। हाँ, ठीक है, आप लकी थे, कैलकुलेशंस पहले कर ली थी, ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन फिर भी आपके हाथ में कुछ पैसे तो होंगे, होने चाहिए, रेंट देना, आपको डिपॉजिट देना है। तो मतलब अगर यहाँ लैंड कर रहे हो तो ब्लॉग अकाउंट तुम्हारा जब खुलेगा तब खुलेगा, उसके अलावा हाथ में कितना लेके आना, ठीक है। अगर आपका अपार्टमेंट पहले बुक हो रखा है, ठीक है, और आपको पता है आपको डिपॉजिट भी देना है, कुछ देना है, तो कम से कम लेके चलो, मतलब पहले महीने का रेंट और डिपॉजिट आपको देना है, ठीक है, तो वो होना चाहिए, वो जितना भी है 300 400, तो 400 प्लस 400 800 तो वैसे ही हो गया आपका, ठीक है। दूसरा आपका ये है कि आपके पास एक फॉरेक्स कार्ड जरूरी है, फॉरेक्स कार्ड लो, कैश के भरोसे मत रहो। अच्छा, और फॉरेक्स कार्ड ले रहे हो तो फॉरेक्स कार्ड के भरोसे मत रहो, बैलेंस, ठीक है। फॉरेक्स कार्ड में आप ज्यादा रख सकते हो, क्यों, गुम भी हो गया तो नुकसान नहीं है, कैश गुम होगी देन इट्स गॉन, मतलब मोटा मोटा हाँ। पकड़ लें तो फाइनेंस अगर मेरे पास ब्लॉक्ड अकाउंट है हाँ। उसके अलावा जितने मैंने वहां से टेक ऑफ करा हाँ। इसमें आया हूं यहां पे मैं स्पेसिफिकली बार बार फाइनेंस इसलिए बोल रहा हूं हाँ। क्योंकि जब वो बच्चा मेरे वापस आया था ना हाँ। तो प्रिंस मुझे कहीं ना कहीं ये था जिस दिन मैं बर्लिन जाऊं हाँ। उस दिन मैं वीडियो जरूर बनाऊं कि वो बच्चे ने जो गलती करी वो और लोग ना करें, चाहे वो मेरे थ्रू जाए चाहे ना जाए, लेकिन आज अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो जर्मनी के ऊपर, तो ये एक यू नो एक अनपेड ब्लॉग है, यू नो इट इज वेरी वॉलंटियर, की जहाँ पे प्रिंस बता रहे हैं आपको कि भाई एग्जैक्टली हाथ में पैसे कितने लेके आने ब्लॉग अकाउंट के अलावा, राइट, तो कितने लेके आओ वहां से, कैश ले लो आप 600 700 800 तक, मतलब हजार तो मेरे हजार तक आप देखो, अगर जो मोटा मेजोरिटी अमाउंट है 1800 अप्रोक्स आप रख लो अपने उसमें कार्ड में, चलो रखना कैसे बात की बात है, पॉइंट ये ना कि वो तो टोटल यू शुड हैव अराउंड 1000 to 1200, तो ये टोटल मतलब आपके 1000 1200 होने चाहिए अदर देन ब्लॉक अकाउंट होने चाहिए, बिकॉज़ ब्लॉक अकाउंट में आपका जो ब्लॉक अकाउंट है उससे पैसा नहीं आता डायरेक्ट, यहाँ पे अकाउंट खोलना है उसमें आएगा, ठीक है। अकाउंट तो भी खुलेगा जब एनमल्डुंग है, ठीक है, एनमल डूंग तभी मिलेगा जब ओनर आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, और ओनर कॉन्ट्रैक्ट तभी देगा जब रूम फाइनलाइज हुआ है आपका कुछ। अच्छा, तो स्टेप ऐसे चलता है, फर्स्ट इज अकोमोडेशन, अच्छा, सेकंड इज आपका अकोमोडेशन के वाला आपको कॉन्ट्रैक्ट देगा, ठीक है, थर्ड इज बुकिंग एंड एनमल डूंग अपॉइंटमेंट, दैट आल्सो टेक्स टाइम, सम टाइम्स 3 दिन लगे 4 दिन लगे, मुझे तो पता है, एक बार हाँ इसको इस वर्ड को आप स्टूडेंट से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। हाँ, एनमल्डुंग मींस सिटी रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज कंपलसरी है कि आते ही जब आपका एक इमिग्रेशन का स्टैंप लगता है, ठीक है, यूरोप में किसी भी जगह जाओगे इमिग्रेशन का स्टैंप लग जाएगा आपका, उसके 14 दिन या 15 दिन के अंदर यू शुड हैव अ सिटी रजिस्ट्रेशन, दैट इज अ गवर्नमेंट रूल। तो यानी कि जर्मनी में अगर मैं आया हूँ आते ही मेरे को सिटीजनशिप करानी ही करानी, इफ यू आर अंडर अ स्टूडेंट वीजा, हां स्टूडेंट वीजा, एक्सेप्ट फॉर टूरिस्ट वीजा, हर केस में, ठीक है, यू नीड अ सिटी रजिस्ट्रेशन, ठीक है, उससे कराने से हाँ। उसके लिए आपको एड्रेस चाहिए, उसके लिए एड्रेस चाहिए, और लैंडलॉर्ड से कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, सबसे बड़ी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट हो तो एड्रेस जब आ जाए, एड्रेस आ गया, ठीक है, और
जो घर था अकोमोडेशन वो आप इंडिया से करा के आए थे या फिर अपने यहाँ पे नहीं कराया था? घर मैंने इंडिया से ही ढूंढा था। अच्छा, मेरे फ्रेंड्स के थ्रू। ठीक है, एंड हाँ इंडिया से ही ढूंढा था। तो कितना यहाँ पे जो चलो आपने जो इंडिया से ढूंढा था उसका रेंट क्या था? इट्स 450 यूरोस फॉर अ शेयरिंग रूम। मैं एक लड़के के साथ और शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, सो 450 यूरोस है, 450 यूरो प्लस बिल्स? नहीं नहीं, इट्स इंक्लूडिंग एवरीथिंग। वार्म रेंट, सो यहाँ पे दो तरह का रेंट होता है। वार्म रेंट, इट्स वार्म मिट्टे कुछ ऐसा बोलते हैं, एंड कोल्ड रेंट होता है। कोल्ड रेंट में शायद आपका हीटिंग इलेक्ट्रिसिटी कुछ इंक्लूड नहीं होगा, वार्म रेंट है सब इंक्लूड है। ठीक है, यानी 450 यूरो यहाँ पे दिए। हाँ जी, और ये आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग हो गई यहाँ पे। हाँ, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग 450 पकड़ ली मैंने। अब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ फूड और ट्रैवल और ये सब मिला के। ट्रैवल का क्या है, प्रोबेबली यूनिवर्सिटीज आपको सेमेस्टर टिकट दे देती हैं, 6 महीने तक वैलिड है, वो आपकी फीस में कवर होता है। 200-220 यूरो होता है। अच्छा, तो आईयू ने साल क्या है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ कम कर दिया है कि दे आर नॉट गिविंग द सेमेस्टर टिकट, बट 49 यूरोस में आपको डच टिकट मिलता है। एंड विद दैट टिकट आप पूरे जर्मनी घूम सकते हो एक्सेप्ट फॉर द आईसी। आईसी जो है बुलेट ट्रेन जैसा है यहाँ का फास्टेस्ट ट्रेन। ठीक है, उसके अलावा किसी भी ट्रेन में आप घूम सकते हो। तो 49 यूरोस आपका ट्रेवल का हो गया। ठीक है, रेंट आपका 450 चला गया। ज्यादा अच्छा प्राइवेट अपार्टमेंट चाहिए 550-650 तक चला जाता है। ठीक है, एंड इतने तक का लेना चाहिए आपको, नॉट मोर देन दैट। पीपल आर टेकिंग 750-800 फॉर एन अपार्टमेंट बीइंग स्टूडेंट्स। ठीक है, जो मुझे लगता है रीजनेबल है, बिकॉज योर स्टूडेंट्स तो थोड़ा देख के चलो, उनको मिला नहीं होगा, हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है। तो आई थिंक जो अकोमोडेशन अर्ली स्टेज में अगर ढूंढना शुरू कर लो तो बेटर रहेगा। बेटर रहेगा, एंड स्टूडेंट्स मिलेंगे आपको इंडिया से थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड एवरीथिंग। वहां से नेटवर्किंग होना पड़ेगा। इवन इफ यू आर कमिंग टू समवन, किसी के थ्रू आ रहे हो कंसल्टेंसी के, दे नो लिमिटेड पीपल, बट स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं वो आपकी ज्यादा हेल्प करेंगे रादर देन पीपल जो हैं यहाँ पे। बिल्कुल ठीक, और आपको ये पता चल जाएगी बात है, मतलब क्योंकि प्रिंस ये भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है ना कि हम एज ए कंसल्टेंसी, देखो बड़ी इंपॉर्टेंट जो रहता है एज ए कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट, we can help you in finding the university, we can help you in finding the admission, we can help you in finding the visa filing, लेकिन उसके बाद की जो लाइफ है वो स्टूडेंट जी नहीं, वो स्टूडेंट नहीं। राइट, आज जब यहाँ पहुंचे हो आप तो यहाँ आने के जो चैलेंजेस थे वो तो आपने देखे ना। हाँ, अगर वो चैलेंज जो होंगे वो तो आप मेंटली खुद को प्रिपेयर करोगे। हाँ, हाँ, वो तो, और वो एक्सपीरियंसेस है, चैलेंज भी नहीं एक्सपीरियंस। राइट, सो कहीं ना कहीं जो अकोमोडेशन की बात कर ली हमने, फूड की कर ले, मैं अगर पूरा खर्चे का हिसाब बना लूं, आप एक आपको बड़े 6-7 इयर्स के हो, आप यहाँ अकेले रहते हो, स्टूडेंट हो, तो महीने का अगर मैं कहूँ कि कम से कम कैश इन हैंड आपको कितना चाहिए कि यहाँ पे रहने के खाने में? इट गोज 450 फॉर द रूम। ठीक है, बाकी 150-200 यूरो आपका खाना पीना, बाहर भी चिल कर रहे हो। ठीक है, वो हो गया 650 हो गया, 49 यूरो आपका वो जा ही रहा है टिकट, 700 तो मैक्सिमम इतना ही जाएगा, 650-700 तक जाएगा। 700 पकड़ लेते, 700 इससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो 700 यूरो हमने पकड़ लिए आपके लिविंग सेंसेस के। हाँ, हाँ। खाना पीना मिला के। हाँ। जो कि मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट कहती है उससे लो है, बट वो हमने हमेशा देखा है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स है जो गवर्नमेंट की थ्रेशहोल्ड है जो ब्लॉक टॉप गेट से कम में खर्च कर लेते हैं। तो 700 यूरो का मतलब हो गया 7 9 63। हाँ, राइट, मतलब 70,000 पकड़ लेते मोटा। हाँ, 70,000 रुपए तो खर्चा है, है। चाहे जो मर्जी कर लो, कुछ भी कर लो। तो यानी कि देखो भाई, बड़ी सिंपल सी बात है कि आपको कोई भी बोले कि जी 500 में रह लोगे, 600 में रह लोगे, आज स्टूडेंट्स अगर आज प्रिंस खुद बोल रहे हैं कि 70,000 रुपए मैं खर्च कर रहा हूँ, तो प्रिंस मेरे ख्याल से सबके, अगर आप 70 कर रहे हो तो कोई पहन करता होगा, तो 85 करता होगा। देखो इसके बाद रेंट रेंट कहीं है ना, मैं 450 दे रहा हूँ, मैक्सिमम में मैंने 700 भी देते देखे हैं, मिनिमम मैंने 350 भी देते हुए देखे हैं। बट इट बिकम्स आप फिर बहुत क्लस्टर्ड में रह रहे हो। बिल्कुल ठीक, तो बट इट इज गुड, आप कर सकते हो, देन इट इज गुड, बट रेंट लोअर भी लोअर जाएगा आपका 300 तक जाएगा। इफ यू आर लकी कि आपको स्टूडेंट हॉस्टल मिल जाए, इफ यू आर लकी आपको स्टूडेंट हॉस्टल मिल जाए तो भी 300 रेंट है। ठीक है, तो 300 से कम तो कहीं जा ही नहीं रहा है, हर एक को मिलेगा ना? नहीं नहीं, तो एक साल से वेटिंग में मुझे तो नहीं मिला। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स अगर आपको नहीं मिल रहा है इतना ढूंढने के बाद है ना, तो 700 यूरो पकड़ चलते हैं, चल इतना है। 70,000 रुपए अगर आपके पास है खर्चने के लिए, ठीक है जी, पर मंथ, इसमें जो ब्लॉक डॉक के पैसे कब तक आ रहे हैं? 70,000 रुपए में आते हैं, मैं अगर आज पहुंचा मान, ये आते हैं मंथ के अगले महीने के उस महीने से पहले आ जाते हैं। अच्छा। तो आई थिंक मेरा जो अक्टूबर का ब्लॉक अकाउंट था 24 सितंबर को आ गए थे, 24 या 28 सितंबर को। ठीक है, मतलब डेट चेंज हुई है, सारे पेपर को रेडी हो जाए। हाँ, तो पहला है अमाउंट कब तक आ जाएगा महीने भर में? अगर डिपेंड, जैसे मैं 15 को आया, ठीक है, मेरा सारा काम 19-20 तारीख को हो गया, ठीक है, तो उसी सितंबर की 28 या 27 को आ गए थे, क्योंकि आपने सारी चीजें इकट्ठी कर ली थी। ठीक है, यानी कि फिर वही बात आ गई, फिर उसने बोला अकोमोडेशन सोच के आओ कहाँ जाना। हाँ,
कॉन्ट्रैक्ट को सॉफ्ट कॉन्ट्रैक्ट रेडी कर लो ताकि इमीडिएटली आते कौन मिल जाए। कॉन्ट्रैक्ट मिलते फटाफट से सिटी रजिस्ट्रेशन करा लो, रजिस्ट्रेशन करा लो, उसके बाद आपको एक एड्रेस मिल गया। रजिस्ट्रेशन कराने में कोई पेपर मिलता है, कोई कार्ड मिलता है? एन बिल्डिंग पेपर, एन बिल्डिंग का पेपर मिल जाएगा, वो आप बैंक में दोगे तो अकाउंट मिल जाएगा। ठीक है जी, आपने बैंक में अकाउंट खोल गया। अब यहाँ बैंक के अंदर कई बच्चे कहते हैं जी मैंने अपने बैंक में गया था, वो कह रहे हैं ये मांगते हैं वो मांगते हैं। बैंक में आप गए थे कौन से बैंक में गए थे? पोस्ट बैंक, पोस्ट बैंक स्पार्क आजाद दोनों गया हूँ। ठीक है, तो आपके हिसाब से जो आपको लगता है जो फटाफट से अकाउंट खोल गया जल्दी से वो कौन सा बैंक था? पोस्ट बैंक ऑन द स्पॉट खोल देता है, स्पार्क आजाद भी खोल देता है, यू जस्ट नीड टू फाइंड योर थिंग्स आउट। ठीक है, स्पार्क आजाद का ये रहता है कि वेरिफिकेशन आप बोल सकते हो, डू द वेरिफिकेशन ऑन फोन। ठीक है, वो फोन पे वेरिफिकेशन कर देते हैं। ठीक है, बट फटाफट खुल जाता है उसमें भी। कमर्स बैंक का है शायद से, दे टेक टाइम। डॉश बैंक, डॉश बैंक अच्छा, वो एक एक महीने का वेटिंग है। पोस्ट बैंक की अगर बात करते हैं तो पोस्ट बैंक में आपने फटाफट से अकाउंट खोल लिया और चार से पांच दिन में आप कह रहे हैं मैंने सब कुछ रेडी कर दिया और आने वाली 28 सितंबर जो थी पैसा हिट भी कर गया, पैसा हिट कर गया ब्लड अकाउंट का। हाँ जी, चलो जी, ये भी एक अच्छी लर्निंग होगी आप लोगों के लिए कि आपको पता है कि आपको करना क्या है, ब्लॉक अकाउंट कैसे पैसे लेके आने। अब करते खर्चों पर। मैं स्टूडेंट हूँ, लैंड कर चुका हूँ, मेरा यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं, कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है और मैं एक बड़ा थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ। देखो मैं एक्सट्रोवर्ट नहीं बोलूंगा कि मैं हर चीज को ये नहीं बोलूंगा कि हर बंदा एक्सट्रोवर्ट होता है। इंडिया से काफी स्टूडेंट आते हैं, हर जगह से आते हैं, कई लोगों की नेटवर्क इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। आपके हिसाब से मुझे कितना टाइम दे रहे हैं यहाँ पे एक जॉब ढूंढने का? देखो इफ यू आर लुकिंग फॉर लाइक आप टेक्निकल जॉब ढूंढ रहे हो वर्किंग स्टूडेंट के लिए, उसके लिए टाइम लगता है 2 महीने 3 महीने। इफ यू आर लकी तो जल्दी मिल सकती है, बट इफ यू गो फॉर नॉन टेक्निकल जॉब्स वो मेजॉरिटी आपको लिंक्स के थ्रू ही मिलती है, आपके फ्रेंड्स आपको रेफर करेंगे उसके थ्रू मिलेंगी। अच्छा, दूसरा होता है एडिको, है यहाँ पे एक वेबसाइट, यू कैन गो टू दैट। अमेजोन वेयरहाउस जॉब्स हैं, कोई वर्किंग इन अ मॉल ऐसी जॉब्स हैं वो मिल सकती हैं आपको। सो दैट टेक्स अराउंड अ मंथ, एकदम नहीं मिलेगा, उसके लिए भी महीना लग ही जाएगा आपको ढूंढने में, अप्लाई करने में। मोटा मोटा बोल दूं एक से दो महीने आराम से लगे, एक से दो महीने लग जाएंगे, लग जाएंगे। तो एक से दो महीने का मतलब ये था कि मेरे पास होने चाहिए 700-714 तो खर्चे ही हो गए। हाँ जी, ठीक है जी, और प्लस वो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है। हाँ, तो मोटा मोटा 3,000 यूरो होने चाहिए। हाँ, इंडिया से यहाँ आते टाइम 2500 से आप ज्यादा कैरी नहीं कर सकते हो, इमिग्रेशन टेक्स। मतलब आपके पास, चलो आपने 2,000 ले लिया, यहाँ से 1,000 निकालनी है, मतलब 3,000 खर्चने तो है ही आपको। हाँ, हाँ, करेक्ट करेक्ट, आपको देने पड़ेंगे। तो 3,000 यूरो का मतलब होगा 3,00,000 रुपए आपने अपनी लिविंग कॉस्ट जो है वो पे करनी है पहले 2 महीनों के अंदर। मैं गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल सही, ठीक है ना। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब वो बच्चा मेरे ऑफिस में आया, मैं बार बार बता रहा हूँ कि मुझे बड़ा बुरा फील हुआ, तो मैंने टीम से बात भी की थी ना, वो कहते कि हमने बच्चे को बताया भी था कि भाई आप यूरोप की कुछ करते हुए चले जाओ, क्योंकि अगर आपको फाइनेंशियल क्रंच है पर उसने ओवर कैलकुलेशन करी है। तो मेरा ये जो ऑब्जेक्टिव हो रहा है वीडियो बनाने का, सिर्फ ये है कि मैं आपको एग्जैक्टली बता सकूं कि कितना पैसा आपको खड़े पैर, मतलब कि पहले महीने दूसरे महीने, देखो 6 महीने में हर कोई एडजस्ट कर जाता है, कर जाओ। अगर मैं भी यहाँ रहूंगा तो मैं भी एडजस्ट कर जाऊंगा। इंट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट आदमी 6 महीने में दोस्त बन जाएंगे, समझ जाएगा, बिल्कुल ठीक, और एक दो बार झटके लगेंगे तो और समझ पाएगा, बिल्कुल ठीक। लेकिन बट हाँ, आप ये ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर कैलकुलेशन ये लेके मत चलो कि जाते ही जॉब मिलेगी, ऐसा नहीं है। एयरपोर्ट पे भी जॉब लेके बैठा है, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है, आपको कई बार जाना पड़ेगा, आपको पसंद भी नहीं आएगी, छोड़नी पड़ेगी, बिल्कुल ठीक है। यू डोंट नो ऑड जॉब्स कितना ऑड हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। टेक्निकल भी होगी, यू डोंट नो कैसी है, बिल्कुल। और यहाँ पे प्रोसेस बहुत स्लो रहता है टेक्निकल जॉब्स में भी, आप आज अप्लाई कर रहे हो पता नहीं कब रिप्लाई आएगा, अच्छा रिजेक्शन आना है, एक्सेप्टेंस आना है, प्रोसेस चल सकता है लंबा। मतलब आपके पास इन हैंड एक और एक्स्ट्रा जॉब होनी चाहिए, सब जितने मर्जी आप क्वालिफाइड हो, अगर आप स्टूडेंट वीजा पे आ रहे हो, आते जो मिलता है पहले पकड़ लो, ठीक है, और उसके बाद अपनी लाइन की जॉब के लिए आप सर्चिंग करते रहो और जैसे मिलती है आप चेंज कर लो, चेंज कर लो। और एक और बात है, टेक्निकल में मे बी आपको कम मिलेगा, ये एक आयरनी है टेक्निकल, बिकॉज दे लिमिट द नंबर ऑफ आवर्स। आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो कुछ और ऑड जॉब कर रहे हैं, मे बी डिलीवरी कर रहे हैं, वो ओवरशूट कर रहे हैं नंबर ऑफ आवर्स, तो वो भी नहीं करने चाहिए। अच्छा, इससे ये जो ओवरशूट की बात कर रहे हो, इससे क्या नुकसान होगा? जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे आया हूँ पढ़ने के लिए और पढ़ते पढ़ते मैं वहाँ पे काम में डिलीवरी का काम कर रहा हूँ। अब मैं आपको बता दूं, आप लोगों को डिलीवरी के लिए जब बात कर रहे हैं ना, वोल्ट और गोल्ट, मैं दो नाम आपको ऐसे दे रहा हूँ जो पूरे यूरोप में फेमस है, क्योंकि हर जगह ये एप्स चल रही है, जैसे हमारा जोमेटो है ना और हमारा स्विगी है इंडिया में, ऐसे यहाँ पे वोल्ट एंड बोल्ट है। ये टैक्सी भी चलती है इनकी और इनके डिलीवरी ऐप भी होती है।
तो जर्मनी के अंदर भी अगर आप आ रहे हो, आपको आते ही, मेरे ख्याल से आते ही अगर किसी को काम करना है और बहुत ज्यादा उसको कंसर्न है फाइनेंशियल का, तो आप मेरे हिसाब से इसी को पकड़ोगे। वोल्ट का क्या आईडी इतनी इजीली मिलती नहीं है। अच्छा, बिकॉज ये थोड़ी सी इजी जॉब ही रहती है एक तरह से। ओके, कि साइकिल चला रहे हो आप, डिलीवरीज करते हो एंड टिप्स वगैरह से बहुत कमाते हैं। अच्छा, मैंने ऐसे लोग देखे एक एक साल बाद वोल्ट की आईडी मिलती है। ओके, डिलीवरी जॉब्स फ्लिंक है। अच्छा, उसकी इजीली उसकी मिल जाती है, जल्दी मिले ना मिले बट मिल जाती है। ठीक है, और पिज्जा डोमिनोज वगैरह इनमें आपको मिल सकती है जल्दी। तो ये भी अच्छी लर्निंग होगी कि जर्मनी के अंदर अभी जैसे बता रहे हैं कि और भी हैं, बहुत डिफरेंट बहुत सारी और भी हैं, क्योंकि जर्मनी बड़ी कंट्री है ना, तो और भी ब्रांड मिल जाएंगे आपको। ऊपर से बर्लिन एक सिटी है, बिल्कुल सही, बहुत लोग हैं यहाँ पे, भरा पड़ा है, तो बहुत लोग हैं तो बहुत सर्विस है, बिल्कुल सही, तो वो बहुत बड़ी बात है। ऊपर से आपके पास और भी जॉब्स है, जैसे अमेजोन अक्टूबर टाइम पे इतना हायर करता है। अच्छा, रीजन क्या हायर करने का? क्रिसमस, क्रिसमस आ रहा है, डिलीवरीज बहुत जाने वाली है गिफ्ट्स की दिसंबर में, बिल्कुल, तो अमेजोन अभी वेयर हाउस के लिए हायर कर रहा है, तो इतना हायर कर रहे हैं, वो इतना हायर कर रहे हैं कि दे आर हायरिंग पीपल लाइक क्रेजी, ऑन द स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं बना के, और उसमें आपको 1000-1500 यूरो शायद बोनस भी देते हैं क्रिसमस का। अच्छा, तो इसमें क्या करना होता है? अप्लाई अमेजोन वेयर हाउस जॉब, सेग्रीगेटिंग ऑफ द व्हाट वी कॉल इट, अच्छा, कार्टन्स, मतलब पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है, मुझे कुछ आइडिया है नहीं, बिकॉज़ नाउ ओनली पीपल हैव स्टार्टेड वर्किंग। अच्छा, तो जो आपके अमेज़न की डिलीवरीज आती है, कार्टन से एग्रीगेट कर रहा है, कोई पैकिंग कर रहा है, कोई स्कैनिंग कर रहा है, ठीक है, कोई छोटे कार्टन को बड़े में लोड कर रहा है, पूरी सप्लाई चेन का, पूरी से लॉजिस्टिक्स होगी, पूरी लॉजिस्टिक्स काम कर रहे हैं, पर नॉन टेक्निकल, इट्स नॉट लाइक यू स्टार्ट वर्किंग ऑन लॉजिस्टिक अमेज़न में। तो ये तो बात बड़ी क्लियर होगी कि भाई बेसिकली आप आ रहे हो तो एक्सपेक्टेशन लेके आओ कि चाहे जितने मर्जी क्वालिफाइड हो, शुरुआत में आपको बेसिक जॉब ही मिलनी है और उसके बाद आप अपनी अप्लाइंग की जॉब पकड़ सकते हो। हां, लाइक इफ यू आर लकी मिल सकती है, कीप अप्लाइंग, इट्स लाइक अप्लाई ब्लाइंडली, 100 कर रहे हो तो 1000 कर दो अप्लाई, ठीक है, करो दबा के करो, ठीक है, यू नेवर नो व्हेन योर लक स्ट्राइक्स एंड यू गेट अ जॉब, ठीक है, तो आप करते जाओ भाई। जर्मनी के अंदर अगर हम बात करते हैं परमानेंट रेजिडेंसी को लेकर, तो यहाँ पे कई लोगों के डिफरेंट डिफरेंट यू नो अंडरस्टैंडिंग होती है। एज ए स्टूडेंट आप क्या लगता है कि जर्मनी पीआर देगा? अगर आप कुछ यहाँ पे पीआर मिलती है, आपका टैक्स कितना भर रहे हो उसके बेसिस पे, ठीक है, आप आगे आने के शायद 5 साल बाद आपको पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो, इफ यू आर पेइंग टैक्स रेगुलरली फॉर 5 ईयर्स, कुछ ऐसा है, यू नीड टू चेक। दूसरा है कि आपने यहाँ से ग्रेजुएशन किया है तो आपको 5 साल में मिलता है, वरना टाइम इज मोर। दूसरा, तीसरा ये है कि यू नीड टू नो मिनिमम B1 लेवल ऑफ जर्मन, एज रिटन ऑन द वेबसाइट, B1 है या B2 है, बट यू नीड टू नो द लैंग्वेज, दैट इज आल्सो बेसिकली मांगते हैं। हां, वो हर कंट्री यूरोप में मांग रही है, एक बात को छोड़ के, कि आपको उनकी लैंग्वेज आनी चाहिए। सो अगर जर्मनी में जो 1.5 महीने में आपको सीखा है या देखा है, इसको देख के लगता है कि जर्मनी में टिकने का प्लान है? हां हां हां, बिल्कुल है, बिल्कुल है, यू लाइक इट? आई लाइक इट, ठीक है, आई लाइक इट। मैं जब आ रहा था उससे, देखो आने से पहले आप रिसर्च करके आप जा कहाँ रहे हो, अगर आप जर्मनी जा रहे हो तो आप किस लिए जा रहे हो? जर्मनी जा रहे हो, इट्स अ हब ऑफ इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग की मार्वल्स हैं यहाँ से निकले हैं, यू टॉक अबाउट हेलीकॉप्टर, यू टॉक अबाउट सबमरीन, यू टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी, यहाँ से निकली है, ऑटोमोटिव से लेकर मैकेनिकल से लेकर इंजीनियरिंग यहाँ पे आज भी निकल रही है, टॉप पे सब कुछ, सारी गाड़ियां। तो इफ यू आर इनटू इंजीनियरिंग एंड थिंग्स, निकल रहा है यहाँ से, आपको टेक्निकल लाइफ अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, कॉर्पोरेट लाइफ स्ट्रॉन्ग करनी है, करियर बिल्ड करना है, इट इज हियर। जर्मन की बात है, सीखनी ही पड़ेगी, आज सीखो कल सीखो परसों सीखो, सीखनी ही पड़ेगी। मुझे भी इतने ढंग से नहीं आते, आई नो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम सबसे बड़ा APS का कंफ्यूजन है, दे कांट फोकस, बट आई वुड से थोड़ा बहुत सीख लो ताकि बेसिक कन्वर्सेशन कर पाओ, ताकि यहाँ पे और सीख लोगे, ऐसा नहीं है नहीं सीखोगे, यू कैन लर्न हियर ऑल्सो, कॉस्ट उतनी ही है जितनी इंडिया में दे रहे हो आप। तो जो लोग कहते हैं कि नो कि अगर मैं फ्री एजुकेशन में, थोड़ा सा एक चैप्टर में एक एक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, कई स्टूडेंट कहते हैं जी मेरे को फ्री एजुकेशन मिल गई, ये मेरे को ना ट्यूशन फी नहीं भरनी, लेकिन ट्यूशन फी नहीं भरनी का मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि आपको लिविंग एक्सपेंस नहीं भरनी होगी। वही तो, अब देखो ना सबसे बड़ा एक चीज जो आप बिल्कुल मिसकैलकुलेट कर जाते हैं इंडिया से आके बच्चे, वो क्या है कि हमारे पास ब्लॉक अकाउंट है, ठीक है ब्लॉक अकाउंट है, तो भाई ब्लॉक अकाउंट तो 1 साल का है ना, कोर्स आपका 2 साल का है, तो उस दूसरे साल के ब्लॉक अकाउंट को भी तो रेडी करोगे आप, उसको तरीका ही है कि आप जॉब करो। अब आप 5 महीने बैठ गए कि यार जॉब नहीं मिल रही टेक्निकल, तो नॉन टेक्निकल फिर करनी पड़ेगी आपको, यू हैव टू डू समथिंग, या फिर घर पे फिर बोल दो कि 12 लाख और भेज दो, यू नीड अ ब्लॉक अकाउंट, बिकॉज व्हेन यू गो फॉर RP रेजिडेंस परमिट, जो आपको आते ही 5 महीने 4 महीने में कार्ड लेना होता है, या फिर एक्सटेंशन ऑफ वीजा, वो स्टेटमेंट लेते हैं वहाँ आपका कि आपके पिछले महीने पैसे डले हैं ब्लॉक अकाउंट से और बचे कितने बैलेंस, वो भी देना होता है, बिकॉज इफ यू हैव मनी देन ओनली यू कैन सर्वाइव। तो ये जो आपका TRP कार्ड है टेम्परेरी, ये अभी आपने अप्लाई कर दिया करना है? नहीं, इट इज आपका जो वीजा खत्म होने के 3 या 4 महीने पहले होता है अप्लाई, ठीक है, तो अभी तो आपके साल का वीजा होगा? नहीं, मेरा मार्च तक का है, मेरे टाइम पे 6 का कर रहे थे, तो यानी कि दिसंबर तक आपको अप्लाई कर देना पड़ेगा, दिसंबर जनवरी में कर दूंगा अप्लाई, ठीक है, 3 महीने में पहले भी अप्लाई करते हो तो वो कहते ही कि 3 महीने पहले ही अप्लाई करना,
उससे पहले आप करोगे तो बैकलॉग बहुत ज्यादा है ना। अच्छा, दे समटाइम्स टेल की नहीं, आप आओ जब खत्म होने वाला होगा। अच्छा, मतलब खुद ही बोलते हैं कि भैया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब जर्मनी आ रहे हैं और जब ब्लॉग देख रहे हैं तो आप ध्यान सुनिएगा, जब आपने यहाँ पे आना है उसके आने के बाद आपने अपना रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना है, लेकिन रेजिडेंस परमिट आपने कब अप्लाई करना है वो डिपेंड करता है कि वीजा कब खत्म हो रहा है। खत्म होने के 3 या 2 महीने पहले होता है। ठीक है, मतलब 3 महीने तो कम से कम होगा, कम से कम 3 महीने पहले अप्लाई। ठीक है, तो ये आपने अप्लाई कर दिया, रेजिडेंस परमिट कार्ड भी आ गया। अब उसके लिए आप कह रहे हो कि मेरे को वहाँ पे भी शो मनी करनी पड़ेगी। हाँ, शो करना पड़ेगा कितना बैलेंस बचा आपके उस ब्लॉक अकाउंट में। ठीक है, तो अब अगर आपका, अब क्या होता है वहाँ जाके भी यू नीड टू टॉक टू देम, यू नीड टू एक्सप्लेन द सिचुएशन। वो भी एक छोटा सा इंटरव्यू जैसा मान लो। वो पूछेंगे कब तक पढ़ना है, क्या पढ़ना है। अगर आप बस ऐसे की कोर्स खत्म करना है, अब मैक्सिमम लोग मे बी इसी के थ्रू करके आ रहे हैं, एक साल। बहुत से चैनल्स हैं वहां से आप एक सेमेस्टर एक साल करके आ गए। ठीक है, आपका कोर्स एक ही साल का बचा है, तो जब आप प्रोबेबली वीजा रिन्यू कराने, एक ही साल बच रहा है कोर्स, तो वो आपको एक साल का एक्सटेंशन लेटर या स्टैंप दे देंगे लगा के। इफ यू नीड अ कार्ड यू नीड टू टेल देम कि नहीं मेरे को पढ़ना है, मे बी आई डू मोर मास्टर्स, मे बी आई डू पीएचडी या समथिंग लाइक दैट। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई आपने। आई थिंक देखो, जब मैंने कहा ना कि जो स्टूडेंट एक्सपीरियंस देगा कोई और देगा नहीं, कोई कंसर्न नहीं दे पाएगा। सो प्रिंस, अभी जो आपने बताया कि मान लेते हैं किसी बच्चे ने कहा कि मैं तो इंडिया से ना किसी एक प्लेटफॉर्म में मैंने एक अपना 6 महीने पढ़ लिया या मैंने 1 साल पढ़ लिया, अब मैं आया 2 साल की मास्टर्स की, 1 महीने पढ़ लिया, 1 महीने यहाँ आके पढ़ूंगा, मैं यहाँ आता हूँ, मेरे को वीजा मिल चुका है, मैंने एंट्री मार ली, अब मैं मास्टर के सेकंड में पढ़ रहा हूँ। अब मेरे हो गए, मैं पढ़ रहा हूँ, अब मुझे जाके टीआरपी कार्ड अप्लाई करना था। अब मैं टीआरपी कार्ड अप्लाई कब करूंगा, मान लेते आते कर लेता हूँ, तो क्या तो वो मेरी फाइल ले लेंगे या फिर नहीं लेंगे? नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। अब इश्योर नहीं लेंगे आजकल? बिल्कुल, आपके पास ऑलरेडी 6 महीने का है, तो दे विल प्रेफर पीपल जिनका बैकलॉग चल रहा है। बिल्कुल ठीक है, दे वोंट टेक लाइक कि आप आते ही आपको प्रेफरेंस दें। क्यों? इसका मतलब तो ये हो गया कि मेरा जो कार्ड था वो तो एक, मेरा जो वीजा था वो 1 साल का था। हाँ, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर इंडिया में लगा था, सेकंड ईयर में यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो यानी कि मेरा जब वो खत्म हो रहा होगा, मेरी तो पढ़ाई खत्म होने को आ जाएगी। हाँ, तो मुझे तो जॉब सीखे वीजा मिलेगा सबसे ना, 18 महीने का। हाँ, हाँ, राइट। हाँ, तो वो जो जॉब सीखे मुझे मिलेगा वो कार्ड की फॉर्मेट में मिलेगा या फिर वीजा की फॉर्मेट में मिलेगा? वो कार्ड के फॉर्मेट में भी मिल सकता है, इफ इट्स आपके आरपी के टाइम पे इशू हो जाए तो कार्ड हो जाता है आपको 2000, जैसे अभी किसी किसी को मिला 2026 तक का हो गया वो। ठीक है, तो दैट इंक्लूड्स द जॉब, मतलब 18 महीने का मिलने मिलना। हाँ, मिलना है, मिलना है। तो भाई बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपने अगर 2 साल यहाँ पूरे कर लिए तो 1 साल जो होता है बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड होता है। हाँ, ऐसे नहीं जाता। 1 साल जैसे मैं आया हूँ, अच्छा अक्टूबर में आया हूँ, अब मैं अपना शेड्यूल देखूं, मई में तो सारी क्लासेस ही खत्म है। अच्छा। उसके बाद 1 महीने का वेकेशन है जून में, है। 2 महीने का थीसिस है, तो मई में तो सारा कोर्स खत्म हो रहा है। अब इसमें आपको एक किक बताता हूँ जो मेरी सीनियर ने बताई है, जो 5 साल से यहाँ पे है। अच्छा। उसने कहा कि आप कई बार क्या होता है ना, आप 1 साल का कोर्स करने आए, यू कीप ऑन डूइंग ऑड जॉब्स, आप डिलीवरी कर रहे हो, आप वो कर रहे हो, अब पार्ट टाइम के साथ मिनी का भी कंसेप्ट है। अच्छा। पार्ट टाइम जॉब इज टैक्सेबल, मिनी जॉब इज नॉट टैक्सेबल। अच्छा, तो पार्ट टाइम से आप 1000-1200 कमा रहे हो, मिनी जॉब से आप 520 तक टैक्स नहीं लगता। तो मिनी कहां से मिलती, किस तरह की जॉब होती है मिनी? डिलीवरी वाली को मिनी बोलते हैं? कुछ नहीं, कुछ भी जॉब, मिनी जॉब वो जॉब है जिसमें आपके सिर्फ आप महीने के 40 घंटे लगा रहे हो। अच्छा, पूरा पूरा अगर मान लो तो मंथली सैलरी 520 यूरो से कम है, दैट इज अ मिनी जॉब। 40 घंटे और 500 यूरो से कम है? हाँ, 520 से कम है, दैट इज अ मिनी जॉब। उसमें टैक्स नहीं लगता है, वो पूरा आपके पास आ जाएगा। ओके, और जो आपकी पार्ट टाइम जॉब है वो आपके 80 घंटे होते हैं, बट उसमें कोई लोग 100 भी कर दे रहे हैं, 120 कर दे रहे हैं। आई हैव सीन पीपल डूइंग 200 आवर्स आल्सो, क्योंकि आवर्स कैलकुलेट होते हैं साल के, मंथली नहीं होते हैं कैलकुलेट। अभी 120 फुल डेज आप काम कर सकते हो, या नहीं, 120 फुल डे या 240 हाफ डेज हैं। अच्छा, एंड वो शायद चेंज हुआ है 140 में, एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, आपको देखना पड़ेगा। तो ये जब बात कर रहे हैं कि अगर मैंने एक्स्ट्रा आवर्स कर दिए काम, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे मेरे वीजा के ऊपर? कई बार आप हर महीने 200-200 आवर्स भी कर दे रहे हो, जो कि करते हैं, मतलब बच्चे काम है यहाँ पे, बहुत काम है। अच्छा, करते हैं बच्चे, लेकिन देखा जाए तो ये लेटर आ जाता है टैक्स फाइनेंस एम्प्ट का, दैट इज द टैक्स डिपार्टमेंट, कि आइदर यू लीव द जॉब और यू लीव जर्मनी। Oh. या तो जॉब छोड़ दो या जर्मनी छोड़ दो, एक तरह से वार्निंग आ ही गई, आती है। तो भाई जो कहते हैं कि हम कर लेंगे कुछ नहीं होगा, तो ये बाद में जब फंसेंगे तो फंसेंगे तो पक्का। हाँ, है ना? हाँ, तो ये तो कंफर्म है। और आपके अगर आप 120 लेके चलो, 120 लेके चल रहे हो फुल डे, तो 120 फुल डे में 8 घंटे पर डे आप करते हो फुल डे में, ठीक है, तो आपके 960 या 940 आवर्स होते हैं। तो जैसे आप 960 का 1000 कर दोगे, 1100 कर दोगे, नहीं है प्रॉब्लम, 50-100 घंटे साल में नहीं है, ठीक है। तो जैसे आपके 1000 की जगह आपके 1200 1500 1400 घंटे काम कर दिया आपने साल में, वो रडार में आता है, क्यों कर रहे हो आप इतना ज्यादा। तो मैं आपको बता दूं, ये जर्मनी में ना जो 20 आवर्स पर भी कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है 120 फुल डेज फुल डे इन अ ईयर, 120
इस तरीके से आप अपना काम कर सकते हो और इसी तरीके से ये आपको बेसिकली अलाउ करते हैं और वेकेशन में आप फुल डे कर सकते हो, वो काउंट नहीं होता है। ठीक है, जो आपकी कॉलेज से वेकेशन एक महीने की, हाँ वेकेशन से अलग हो गया हम बात कर रहे हैं, तो वेकेशन के अगर मैं हटा देता हूँ तो आप 9 महीने रहते हैं ना, 9 महीने के अंदर आप काइंड ऑफ 120 फुल डेज या 240 हाफ डेज कर सकते हैं। 9 महीने तो नहीं, मेरे को लग रहा है मेरे तो 11 ही है, एक ही वेकेशन है जुलाई में बस। हाँ मुझे एक ही आई, हाँ 9 महीने 11 महीने हो गए ना, 12 महीने उसमें से एक महीना वेकेशन। अच्छा तो 11 महीने बचे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो ग्रेट। सो अब बेसिकली कंट्री अच्छी है, जॉब्स के बारे में बात कर ली, आप क्या चीजें यहाँ पे ऐसी है जो आपको लगता है अगर मुझे वहां से आने से पहले पता होती ना तो मैं थोड़ा सा और बेटर कर लेता, आई थिंक दैट विल गिव दी मोर वैल्यू टू दिस। जर्मन सीख लो, जर्मन सीख लो, ठीक है, एक लेवल तक तो सीखो ही सीखो। मैं आजकल ज्यादा नहीं है, A2 B1 सीख लो कि आप बात कर पाओ किसी से, आप रास्ता पूछ लो, कोई बोल रहा है तो कुछ समझ लो थोड़ा सा, सोशल भी तो बनना है। हाँ अब यहाँ पे आके वही हम बात करते हैं ऑफ द कैमरा की, इंडियन स्टूडेंट जो है, काफी इंडियन स्टूडेंट जो है वो इंडियन ग्रुप के अंदर ही रहे, क्लोज सर्कल में मत रहो भाई, ठीक है, आप देश से निकले हो, जर्मनी ही नहीं टारगेट है आपका, यू नीड टू एक्सप्लोर यूरोप, ग्लोब है पूरा, यू नीड कंसीडर योरसेल्फ एज अ ग्लोबल सिटीजन जो पूरी दुनिया में कहीं भी घूम सकता है, सिर्फ मूवीज और रील्स देख के कूल बनने से कूल नहीं बन जाओगे, यू हैव टू बी कूल सच में रियल लाइफ में आके, तो फोकस मोर ऑन दैट। आप पढ़ रहे हो, एजुकेटेड पर्सन है, क्या करेगा, जॉब करेगा, जॉब करके पैसा कमाएगा, तो भाई पैसा खर्चना भी तो है। क्योंकि जितना मर्जी तुम इंग्लिश में काम कर लो, ये देखो जो जर्मन है ना वो जर्मन में ही बात करना, वो रिजिड है थोड़े से, और बट इफ यू आप टूटी हुई भी बोल रहे हो ना एंड आप थोड़ा सा उनको बोल दो कि आई एम जस्ट न्यू हियर, आई एम लर्निंग, बेसिक वर्ड्स बोल रहे हो, दे अप्रिशिएट द टेल कि हां ठीक है यार सीख तो रहा है। अगर आप बिल्कुल ऐसे बोलो कि यार मेरे को तो आती ही नहीं है, मैं बोलूंगा ही नहीं, तो वही बात है ना कि यार आप इंडिया में आके हिंदी मत बोलो हमसे, तो बेसिक जो सामान बेच रहा है जो दुकानदार है वो बोलेगा कि यार अब हिंदी नहीं आती है, मैं कितना ही समझाऊं इसको। बहुत बहुत सही, इंडिया में आदमी आ रहा है वो पैसा मतलब खर्च कर रहा है, बाहर का फॉरेनर दे आर रिचर ऑलरेडी, बट हम यहाँ पैसा कमाने हैं, सो वी नीड टू लर्न देयर लैंग्वेज, एंड अच्छा है ना, कुछ तो चेंज आएगा लाइफ में। आप जर्मन क्यों जर्मन सीखो, कल को आप यहाँ से जाओगे फ्रेंच सीख लो, थोड़ा बनना पड़ेगा आपको वैसा। तो अगर आपने अगर जैसे कई बार कई कोर्सेज ऐसे आ चुके हैं, अगर बच्चा जर्मन लैंग्वेज का ही कोर्स करके आए, हाँ पहले जैसे मान लो उसने A1 A2 पढ़ लिया वहाँ पे, हाँ फिर वो यहाँ पे आ जाए, अब वो B1 B2 और C1 खत्म करे और उसके बाद अपनी एजुकेशन शुरू करे, तो पहले जो एक साल में उसको लैंग्वेज सीखेगा वो, हाँ। तो लोगों को मिलेगा, नेटवर्किंग करेगा, जर्मन सीख के भी आया था और भी सीख लिया, और सेकेंड ईयर से अपनी एजुकेशन शुरू करे, डू यू थिंक ये भी एक अच्छा तरीका रहेगा? अगर मास्टर्स करने आ रहे हो नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि और मास्टर्स करने आ रहे हो एक्सपीरियंस लेके ही आओ, वर्क इन इंडिया देन थिंक अबाउट गोइंग टू जर्मनी, ठीक है। अगर मास्टर्स आप साइंस या टेक्नोलॉजी की डोमेन में कर रहे हो, जस्ट की कूल लग रहा है, दैट इज नॉट अ रीजन आई थिंक कि आप चले जाओ। आप इंडिया में जॉब की हो, आपको पहले से आप नेटवर्किंग आती है, आपको हाउ यू नीड टू टॉक टू पीपल कॉर्पोरेट में, क्योंकि आप बात कर रहे हो, तो यू नीड टू टॉक नो यू नीड मतलब यू नो हाउ टू टॉक टू पीपल, वो सबसे बड़ी बात आ जाती है अगर आप इंडिया से जॉब करके आ रहे हो। आपके पास इंडिया की जॉब है, आप एक्सपीरियंस तो बोल सकते हो किसी, यार कुछ तो है मेरे पास, बिकॉज आप पार्ट टाइम के लिए भी जाओगे ना, वो बोलते हैं टेल मी अबाउट योरसेल्फ, क्या आता है आपको, लैंग्वेज नहीं भी है तो एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस है आपके पास, और यहाँ आके अगर आप मास्टर्स करके लैंग्वेज इंडिया से A1 A2 B1 कर लो, A1 A2 इज जस्ट वर्ड्स, ग्लास को क्या बोलते हो उसको क्या बोलते हो, B1 मिनिमम कर लो, हो जाएगी, इंडिया में बहुत जल्दी पढ़ लोगे, आपके पास टाइम ही टाइम है, जर्मनी सीखनी और क्या करना है, काम कर रहे हो जॉब कर रहे हो जर्मनी सीखनी है ना, एक टारगेट और है, यहाँ आके आप एटलीस्ट B1 B2 सीख लोगे बहुत हो जाएगा, C1 आपकी खुद हो जाएगी बात कर करके, और सबसे ज्यादा लैंग्वेज इंप्रूव होती है बात करके, इंडिया में आपने सीख भी ली है, बात किससे करोगे, वेरी ट्रू, किससे करोगे, आप ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हो घर बैठ के, कितना सीख लोगे, ड्यूओलिंगो से सीख रहे हो, गुड प्लेटफॉर्म, स्टार्ट कर दो ड्यूओलिंगो पे, आई वुड से अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप स्ट्रीक बनाओ, रोज उस पर घंटे दो, टाइम दो, बट हाँ A1 A2 भले आप दे दो, खुद से दे दो, A2 दे दो, डायरेक्ट A2 दे दो, A1 भी मत दो, A2 के लिए आप कोचिंग करो दे दो, एंड B1 के लिए आप उस क्लास में जाओ जहाँ जर्मन पढ़ रहे हैं बच्चे, सो दैट दे टॉक इन जर्मन विद यू, इंडिया में अगर कर रहे हो, यहाँ पे तो आपको बोलनी है तो प्रॉब्लम सॉल्व है, यहाँ पे आप जर्मन में बात करोगी, तो ये भी है, तो मतलब अगर आप जिन बच्चों के पास एक्सपीरियंस नहीं है, हाँ, जो बैचलर में आ रहे हैं, हाँ, जो एकदम बैचलर के बाद इमीडिएट आ रहे हैं, हाँ, अगर वो जर्मन लैंग्वेज सीख पहले यहाँ पे आ जाए और लैंग्वेज सीख लें और उसके बाद वो अपनी
मास्टर्स डिग्री या बैचलर जो भी करनी करें तो यू थिंक देयर विल बी मच मोर कंफर्ट लेवल फॉर देम। हां ये होगा है ना, ये होगा, आपका एक्सपीरियंस नहीं है। नहीं बैचलर्स करने जा रहे हैं दे कैन कम, बट इफ यू आर कमिंग फॉर मास्टर्स, मास्टर्स ऑलरेडी आप 4 साल इंडिया में कर चुके हो, टाइम होता नहीं है, करियर के साथ आपकी एज भी निकल रही है। इंडिया देयर इज अ कांसेप्ट आपको सेटल भी होना है फैमिली में, बिल्कुल। सो लैंग्वेज आप करके आओ इंडिया से, इफ यू आर कमिंग फॉर मास्टर्स लैंग्वेज करके आओ, थोड़ी बहुत सीख के आओ, और थोड़ी बहुत सीख ली है तो यहाँ आके और सीख जाओगे, क्योंकि आप बात ही जर्मन में कर रहे हो एंड बैचलर्स के लिए आ रहे हो टाइम ही टाइम में, तो बैचलर्स के बाद ही आपको जॉब लेनी है, तो फिर सीख लो। तो यहाँ पे और कैसे चैलेंजेस तुम्हें लगते हैं कि ना बच्चों के लिए मेंटली इनको प्रिपेयर होना है पहले से कि भैया यहाँ पे जा रहा हूँ, तो ये भी कुछ ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि यार मैंने इंडिया में ये नहीं सोची थी, ये भी यहाँ पे चैलेंज आया है, मतलब इश्यूज थे, इशू नहीं तो थोड़ा सा प्लान कहते हैं मेंटली प्रिपेयर कर ले अपने आप को, उनसे हर चीज इशू है ऐसी कोई चीज। हाँ एक तो, हाँ सबसे बड़ी बात, हम इंडियन चलते ही नहीं है पैदल, जरा भी थोड़ा पैदल चलना चालू कर दो। मैं स्टार्टिंग में आया 15-20 दिन इतना पैदल चला, इतना पैदल चला, मेरे को लगा यार घुटने में ना ग्रीस ही खत्म हो गई तो घुटने मतलब चल रहा हूँ तो ऐसे फ्रिक्शन हो रही है, गट 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 टांगे दर्द कर रही हूँ भाई रात भर, तो हार डाल लो, चलने के मजे लो, चलो जितना चल सकते हो, यहाँ आगे चलो, सच में ही वो आप इतना अच्छा अपने म्यूजिक में कर सकते हो या स्पोर्ट्स में करते हो, मैंने देखा लोगों ने एक्टिविटी पकड़ी हुई है, पकड़ो और वो बहुत एक्टिविटी पकड़ के ना उसको फॉलोअप करते हैं बर्लिन में खासकर, वो तो है करते हैं। यहाँ पे क्या है ना सर, कोई ना कोई हर जगह गाने बजाने चालू हो जा रहा है, यू कैन स्टार्ट डूइंग दैट, आप कहीं ऊपर चले जाओ, आउटर में चले जाओ, हर कोई कर रहा है, पीपल अप्रिशिएट थिंग्स, पीपल टॉक टू यू, अभी हम वीडियो बना रहे कितने लोग ऐसे हाय हेलो कर जा रहे हैं, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, दे आर लाइक कि फन चल रहा है, चिल चल रहा है लाइफ में। प्रॉब्लम क्या है ना इस कंट्री में, गवर्नमेंट ने हर चीज सॉल्व कर रखी है, हेल्थ कार्ड बनता है आपका, मेरा फ्रेंड बीमार पड़ा था, उसका 15 दिन में 6-7 हज़ार यूरो का बिल आया था, अच्छा तो सारा उसकी हेल्थ इंश्योरेंस ने पे किया, अच्छा जी हेल्थ इंश्योरेंस तो हमने अभी डिस्टर्ब नहीं किया, तो आप उसका भी 100 कटेगा, 800 पहुंच गया, तो जर्मनी पहुंचे हो तो हेल्थ इंश्योरेंस को लेके मेरे बात कर लेते हैं, मुझे तो खैर पता ही है लेकिन मैं चाहता हूँ प्रिंस स्क्रीन शेयर, तो प्रिंस हेल्थ इंश्योरेंस को लेके क्या सिचुएशन है, क्या रूल्स हैं और क्या कौन लेगा कौन नहीं पे करेगा, क्या फ्री है? आज दिन दुनिया तो कंफ्यूज ही रहती है कि यूरोप जा रहे हो तो फ्री है ना, सिर्फ ट्रेवल इंश्योरेंस आपका फ्री भी तब होता है जब आप ब्लॉक अकाउंट हेल्थ इंश्योरेंस और ट्रेवल इंश्योरेंस का पैकेज लेते हो, एंड आई वुड से पैकेज ही लेना, मैंने लोग देखे हैं वो शायद महिंद्रा या किसी से ट्रेवल इंश्योरेंस खरीद रहे हैं 5,000 का 4,000 का फॉर जर्मनी, मतलब कॉरिकल से फिनटिबा एक्सपेक्ट्रिव, इन तीनों का पैकेज चलता है, ब्लॉक अकाउंट हेल्थ इंश्योरेंस और ट्रेवल इंश्योरेंस, आपका पैकेज है उसमें हेल्थ इंश्योरेंस और ट्रेवल इंश्योरेंस जो आपको फ्री हो जाता है 30,000 यूरो का कवरेज होता है, वो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, वो जब वीजा के लिए जाओगे एयरपोर्ट पे फ्लाइट पे आओगे हर जगह चेक होता है, तो वो आ गया, भी चाहिए हाँ, ट्रैवलर भी चाहिए हाँ, दोनों हो गए हाँ, अब आती है मेन इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि ट्रैवल तो हाँ, आपकी एक बार ट्रैवल कर लिया खत्म, हाँ, खत्म खत्म, देखिए हाँ, तो ट्रैवल इंश्योरेंस के बाद आती है हेल्थ जो कि आपको डॉक्टर दिलवाएगी, हाँ, ये इसकी क्या कहानी है? तो हेल्थ इंश्योरेंस का ये है कि यहाँ पे आके आप अपने डिटेल्स अपडेट करते हो, जो ब्लॉक अगर हेल्थ इंश्योरेंस आपने जिसके लिए जिससे लिया उनके थ्रू, मैंने बार्मर से लिया था, तो दो ही से लेते हैं, एक टीके से एक बार्मर, ये पब्लिक है, ठीक है, प्राइवेट भी आप ले सकते हो, तो यहाँ के आपको और ऑप्शंस पता चल जाएंगे, ठीक है, तो ब्लॉक सॉरी हेल्थ इंश्योरेंस अगर टीके का है तो आपको वहाँ एड्रेस अपडेट करना होता है अपना, अगेन उसमें भी हेलमेट हो कंपल्सरी आपका, सिटी रजिस्ट्रेशन, ठीक है, एड्रेस अपडेट करोगे तो वो आपके एक एक्टिवेट करने का लेटर आपके घर भेजेंगे, उसको प्रोसेस फॉलो कर करके आप एक्टिवेट करोगे और विद इन अ मंथ आपके हेल्थ कार्ड आता है, ठीक है। बार्मर में क्या होता है, जो कॉरिकल है वो आपसे एक मेल लेता है और वो खुद ही सब कुछ एक्टिवेट करके आपके घर पे लेटर पहुंचा देता है एक महीने में, ठीक है, ये तो हो गया दोनों चीज, पहले महीने में बार नहीं पढ़ना है, नहीं नहीं पढ़ो अगर रजिस्ट्रेशन हो गया, अब इसका सोल्यूशन देता हूँ अगर बीमार पड़ गए हो तो, अच्छा ये चीज ध्यान रखना, कई लोग ध्यान नहीं रखते हैं, आपको क्या करना है, और जॉब मिलेगी वो भी सोशल सिक्योरिटी नंबर मांगता है, आपको क्या करना है, कई बार होता है आपके दोस्त नेटवर्क अच्छा सब अच्छा आपको जॉब दिला देते हैं, क्योंकि जो कर रहा है उसको पता है कहाँ जॉब है, नेटवर्क बनाना, और सबसे बड़ी बात बनाना इंडिया से जितने बना सकते हो, जो लोग जा रहे हैं उनसे कनेक्ट करो, नेटवर्क बनाओ, दूसरा यहाँ आ जाओगे ना, गो टू द हेल्थ इंश्योरेंस का ऑफिस, गो टू देयर ऑफिस एंड वहाँ जाके यू कैन टेल देम सिचुएशन की आई एम वर्किंग फॉर अ जॉब, आई एम न्यू हियर, आई नीड अ हेल्थ इंश्योरेंस, तो एक टेम्पररी हेल्थ कार्ड से लेटर A4 पे लिख के दे देते हैं कि दिस इज वैलिड फॉर अ मंथ जब तक इसका कार्ड नहीं आता, एंड दैट कवर्स योर हेल्थ इंश्योरेंस जब आप डॉक्टर के पास जाते हो,
और ये बनाता वही कंपनी जिससे आप जिसने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, टीके से लिया टीके के ऑफिस जाओगे आप, ठीक है, बार्मर से लिया बार्मर के ऑफिस जाओगे, एंड टॉक टू देम दे विल डू इट फॉर यू। दूसरा ये भी बोलता आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, सोशल सिक्योरिटी नंबर चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस नंबर चाहिए, दैट इज रिक्वायर्ड, वो दे देंगे, दे विल डू इट। मतलब ऐसा नहीं है कि क्यों जाऊं कैसे जाऊं डर लग रहा है, अरे जाओ आपने पे किया भाई, फ्री में नहीं है, ठीक है, यू आर देयर कस्टमर, दे विल हेल्प यू। तो ये जो हमने जो पे करा है ये पूरे साल का पे कर दिया, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, आपके बैंक अकाउंट से कटता है मंथली 100, 120, 130 यूरो तक होता है। आप कितना पे कर रहे हैं? इट्स आई थिंक 120 या 130 के बीच 120 पे कर रहे हो। हाँ जी, तो भाई ब्लॉक अकाउंट से कटता है, तो ये 12,000 रुपए जो है ना आपके, ये आप एडजस्ट कर लो अपने वो 700 के ऊपर, 70,000 पे 12 लगा दो, ये बन गए 85,000। तो 85,000 का बजट है आपका पर मंथ का, चाहे पैसे कमाओ चाहे मत कमाओ, जर्मनी में ये खर्चा होगा ही होगा। देखो जी मैं बड़े सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, चाहे आप मेरे थ्रू जाओ चाहे आप कहीं से भी जाओ, एंड ये प्रिंस का खर्चा है, प्रिंस यार ये मत सोचना कि हम क्लब हम पार्टी नहीं करेंगे, चिल नहीं करेंगे, ओ हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो सबसे सस्ता है यहाँ पे, वो आपका खर्चा ज्यादा नहीं होगा। हाँ वो ठीक है, वो बहुत सस्ता है, पर एटलीस्ट ये बताओगे ना, अब आपको पता है कि 85,000 रुपीज आपको हर महीने खर्च रहे हैं, चाहे नौकरी मिले चाहे ना मिले, तो अगर 85,000 इनटू ये तो आपका खर्चा हो गया। अब अगर आपने 2 साल का कोर्स करना है, आप चाहते फीस भी निकालनी है, तो मेरे हिसाब से मोटा मोटा आप पकड़ लो 85, आपको तो 1,60,000 चाहिए। हाँ अच्छा, हाँ ये फीस वाली बात बताता हूँ, अब कुछ लोग हैं वो एक साल सेमेस्टर की भर देते हैं या 2 सेमेस्टर की, फिर सोचते हैं कि यार वहाँ कमा लेंगे। नहीं अब वो चेंज हो गया, अब रूल चेंज हो गया, अब 1 साल की तो भर दे रहे हैं। नहीं अब मैंट्री हो गया, आपको बिना 1 साल की फीस भरे आप जर्मनी आ ही नहीं सकते। तो वो अब देखो इंडिया है ना जुगाड़ पे चल रहा है, लाइक दे आर पेइंग 1 ईयर फीस, हाँ उससे आगे की फीस नहीं भर रहे हैं, फिर वो नहीं वो दैट देन प्रॉब्लम ये आ रही है कि दे आर इनटू द वो होप कर रहे हैं हमारी जॉब पार्ट टाइम से निकल जाए। पार्ट टाइम जॉब का सबसे बड़ा वर्ड ये वो पार्ट टाइम है, कभी भी निकाल सकते हैं आपको, कॉन्ट्रैक्ट कुछ मैटर नहीं करता है, आपको अगले दिन से आने के लिए मना कर देंगे एंड यू आर जॉबलेस। मतलब तुमने ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सारा मैथ खोलूं, हाँ जी, तो कितने का ब्लॉक अकाउंट था हमारा, 12,000 का, 11 कुछ का था, 11,500 पकड़ लो, 12,000 का ब्लॉक अकाउंट था, 12,000 यूरो तो मेरे जाने जाने हैं। अच्छा, इसके बाद ट्यूशन फी थी आपकी 6 लाख की, 8,000 यूरो, 20 लाख रुपए लगाने हैं, अरे फ्लाइट भी तो लेनी है, 21 लाख रुपए आपने लगाने हैं, 21 में से बेशक 12 आप ही के हैं, पर उनमें से वो पैसे भी आप खर्च रहे होगे। देखो पैसा आपका कहता है, एक हिंदी में कहावत है, तेल तो तिल से निकलेगा, पैसा भी आपका खर्च भी आप रहे हो, तो दिमाग में ये क्लियर होके आना कि ये पैसे मेरे लगने हैं, जो मैं कमाऊंगा और वो अलग बात है। वो अलग, ठीक है जी, वो अलग है। अब आपने कहा जी 20-21 लाख रुपया आपको कैश चाहिए जर्मनी आने के लिए, क्योंकि इससे कम होगा ही नहीं, छह ये तो कम की फीस भर के बैठे हुए हैं आज की डेट में, 8-9 लाख रुपए मिनिमम फीस चल रही है। ये मेरा 1 साल का कोर्स है, कहीं हो सकता है आप 2 साल का कर रहे हो, बिल्कुल, तो आपका कोर्स फीस चलेगी 12 लाख 13 लाख, 8-9। अगर मैं कहता हूँ मैंने आपको कोई ऐसी यूनिवर्सिटी भी दे दी जो कहती है कि मैं आपको 9 लाख की फीस में दे दूंगी, क्योंकि वो डिस्काउंट दे रही है लमसम में, तो 9 लाख रुपए अगर आप दे रहे हो, 9 वो दे दिए आपने, 12 आपने वो दे दिए, 21 ये हो गए 22 लाख रुपए लगा के जर्मनी पहुंच तो गए हो। तो अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो जरूरी नहीं है कि जर्मनी ही आना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ब्लॉग को शुरू करने से पहले मैंने बात बोली थी, जर्मनी पे ब्लॉग बना रहा हूँ, कुछ सेल करने के लिए नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ। आज आप देखोगे पूरे ब्लॉग में मैंने कहीं नहीं बोला जर्मनी आओ, मैं सिंपल फंडामेंटली बता रहा हूँ, और कहीं भी हमने ये नहीं बात की कि भाई ये मत बोलना ये वो नहीं बोलना, मैं ये चाहता हूँ कि लोग समझें, एवैल्यूएट करें अपनी अपॉर्चुनिटी को, फिर सोचे कि मैं 21 लाख रुपए लगा के जर्मनी जा रहा हूँ, नौकरी मिलेगी तो कमाइयां करूंगा, और वो कमाई इतनी होगी कि मैं अपनी अगली फीस अपना अगला लिविंग एक्सपेंसेस निकाल लूंगा, राइट, क्योंकि जो आप कमाओगे उससे तो आपको लगता है कि मैं खर्चा चला लूंगा, नहीं नहीं, नहीं खर्चा तो ब्लॉक अकाउंट चला लोगे, जो आपका अगला खर्चा है वो वहां से चलेगा, राइट। सो इसलिए 21 लाख रुपए लगाने हैं एक ऑप्शन है, मैं फिर से बोलूंगा जिनको पास पैसे हैं, जिन्हें बहुत शौक है जर्मनी आने का, बिल्कुल आओ, लेकिन अगर 21 लाख रुपए नहीं है तो सर पे घर वालों पे लोन लेके मत आओ, ठीक है, इतने बड़े बड़े लोन मत लो कि बेसिकली कल को यहाँ से भेज ना सको, आपके पास और भी ऑप्शन है, आप
आप 3 लाख 3.5 लाख रुपए के अंदर यूरोप की कंट्रियां, चेक रिपब्लिक है, पोलैंड है, लिथुनिया है, लाटविया है, एस्टोनिया है, इन कंट्रीज में भी आ सकते हो। यहाँ से भी आपको मास्टर मिल जाएगी और आपको 21 लाख की जगह मुश्किल से 4-5 लाख में पहुंच जाओगे। मैं कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि आप सही कंट्री चुनना, ब्रांड देख के मत चुनो। किसी को प्यूमा का जूता पसंद आता है 4,000 का, किसी को रिबॉक का सेम कलर पसंद आता है 8,000 का, किसी को एडिडास का 12,000 का पसंद आता है। लेकिन जूते में तीनों में 1 साल की वारंटी मिलती है, जिसका भी टूटेगा तीनों ही चेंज करके दे रहे हैं ना भाई। तो सिर्फ दिखाने के लिए मैं क्यों 15,000 का खरीदूं जो मेरे पास मेरी वाइब है, मुझे मेरी यू नो फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग नहीं है। तो इसलिए मैं देखता हूँ यूट्यूब पे ब्लॉग देखता हूँ, जर्मनी आओ जी, जर्मनी ये कंट्री है, जर्मनी वो कंट्री है। अरे भाई रियलिटी की बात करो ना यार, हर बंदे के पास 21 लाख रुपए नहीं है यार। और अगर आप जैसे जॉब कर रहे हो ना, और कई बार ये होता है आपने जॉब स्टार्ट कर दी, क्योंकि मास्टर्स करने आते हैं, अच्छी अच्छी एमएनसीज में जॉब कर रहे हैं, अगर आपको पता है बाहर जाना है, सेव करो भाई। वो कोई मतलब नहीं है कि आप इंडिया में पैसे में आप टशन दिखा के घूम रहे हो, सेव कहीं भी जाना है नॉट जर्मनी, अपना पैसा सेव करो। मेरे पास अपना पैसा था, सेविंग की थी मैंने फ्रॉम माई कॉर्पोरेट जॉब इन 4-5 ईयर्स, तो एक कॉन्फिडेंस था कि घर पे बात कर पाऊँ, वो कॉन्फिडेंस था कि मैं बैंक से लोन ले लूँ, एजुकेशन लोन, बिकॉज उसकी भी लिमिट है, आप एक लिमिट तक ले सकते हो। बिल्कुल ठीक। तो सेविंग करो, आने से पहले आना यहाँ पे आओ। एंड अगर स्पेसिफिकली आपको जर्मनी, फ्रांस जो कंट्रीज थोड़े हाई एंड पे हैं इन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी इन चीज़ों पे, पहले से प्लान लेके आओ करना क्या वहाँ जाके। अगर मास्टर्स करनी है तो क्यों करनी है, डू आई रियली नीड अ मास्टर्स, ये क्वेश्चन पहले करो अपने आप से कि डू आई रियली नीड अ मास्टर्स। अगर मास्टर्स चाहिए तो क्यों चाहिए, सिर्फ सैलरी कमाने के लिए, ठीक है तो फिर वैसे करो, तो खत्म करो जल्दी जॉब पकड़ो। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं जहाँ पे आप 3,000 यूरो 3 लाख 3.5-4 लाख में अपनी एप्लीकेशन, अपनी ट्यूशन फी भर लेते हो 1 साल की, अपने लिविंग स्टाइल निकाल लेते हो आराम से, 4-5 लाख में खा पी के आप सेट हो जाते हो। लेकिन उसमें अगर आप काम भी करते हो ना तो आपको डिस्टर्ब नहीं होता, घर से कुछ पैसे मंगाने पड़ जाए ना 1 लाख रुपए तो भी चलते 5 महीने चल जाते हैं वो। अब यू नो लेकिन जर्मनी में आपने तभी आना है अगर आपके पास पैसे की पीछे बैकअप है, पूरा लोन पे नहीं आना है। और आई थिंक यही मेरा मोटिव था। यू नो मैं आज कोई बात नहीं करूंगा कि जर्मनी क्यों आना चाहिए, आई थिंक यू नो प्रिंस ने अपने आप सारी बता दी है कि क्यों आना है, किसको आना है, किस लिए आना है, प्रैक्टिकल बातें आपसे शेयर कर दी। कोशिश करोगे आप ट्यूशन फीस जो है वो लोन से भर पा रहे हो, ब्लॉक अकाउंट खुद से करो। बिल्कुल वेरी ट्रू, क्योंकि ट्यूशन फीस आप ब्लॉक अकाउंट से जब भरोगे एक तो लिमिट रहेगा 8-9 लाख है, उससे बड़ा फायदा है 1 साल आपको भरना नहीं है जब तक कोर्स चल रहा है, फिर 1 साल का मेरिटोरियम पीरियड एक्सटेंशन है, फिर आप भरोगे, तब तक आप अर्न कर लोगे, ऐसा नहीं नहीं करोगे, कर लोगे, थोड़े झटके लगेंगे 5-6 महीने में कर जाओगे, सस्टेन कर जाओगे, ऐसा नहीं है। पर हाँ ब्लॉक अकाउंट जो आपका खुद का है तो उसमें आपको ये रहेगी खुद का वैसा उसको भी देख के खर्च करूँ, चीजें देख के संभाल के करूँ, बिल्कुल ठीक है, जॉब देख लूँ। ग्रेट, सो आई थिंक थैंक यू सो मच प्रिंस, थैंक्स अ लॉट सो मच। आई थिंक ये जो बातें हमने आज करी है, सही मैं हमेशा कहता हूँ कि बिना स्टूडेंट के एक्सपीरियंस के कोई भी एक्सपीरियंस पूरा नहीं होता, और जो आज के एक्सपीरियंस आपको मिला ना, जो ज्ञान आपको मिला आज प्रिंस से, इसको एक्चुअली ध्यान से सोचना। मैं फिर से बता रहा हूँ कि यू नो जब भी वो बच्चे के दिमाग में आता है ना, मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं काश हम उस बच्चे का एक्सपीरियंस बेटर कर पाते, बट यू नो आज इस वीडियो से कम शायद अगर हम एक बच्चे का भी व्यू हम चेंज कर पाए ना पूरे इंडिया में, मेरे ख्याल से ये पूरा वीडियो ना हमारा वर्थ रहेगा। क्योंकि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, आपके जर्मनी भी अपॉर्चुनिटी है, नो डाउट जर्मनी इज अ वेरी गुड कंट्री, बिगेस्ट इन यूरोप, हर एक को यहाँ पे आना है। लेकिन अगर आपके लिए जर्मनी सुटेबल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है यूरोप सुटेबल नहीं है, आप नीदरलैंड में आ गए हो, आप मेरा वहां ब्लॉग चेक करो, आप ऑस्ट्रिया में हो या फिर आप एस्टोनिया में हो या लिथुनिया में हो, हर जगह बच्चों ने अपनी अपनी बातें शेयर करी हैं। ध्रुव ने बताया लिथुनिया के अंदर कि कैसे ध्रुव सिर्फ 12,000 रुपये में लिथुनिया में अपना हॉस्टल दे रहा है, 12,000 रुपये में, या आप कह रहे हो मैं 45,000 दे रहा हूँ। और दोनों ही ये दोनों बेसिकली जर्मनी यूरोपियन कंट्री में पढ़ रहे हैं, दोनों के पास यूरोपियन शेंगन वीजा है, उसको फुल टाइम काम करना भी अलाउड है। तो जरूरी नहीं है कि आप एक्सपेंसिव जर्मनी आके ही अपनी लाइफ बनाते हो, आप यूरोप के और शहरों में रहकर पढ़ाई वहां से कर लो, और जॉब करने के लिए आप शेंगेन में आ जाओ, आप जर्मनी में जॉब ढूंढ लो, जॉब सीखे वीजा जब आपको वहां से मिलेगा आप वो जॉब सीखे वीजा यहाँ पे भी यूज कर लो, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू अगेन, एंड मिलते हैं यू नो नेक्स्ट ईयर जब आपकी जॉब लग जाएगी तब देखते हैं आप आपका क्या एक्सपीरियंस है पढ़ाई खत्म करने का, बट रियली इट्स नाइस टू सी यू एंड यू नो शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.